श्रेयन बैठ जाओ। जिंग, आज एक्चुअली हम होली का जश्न मनाने आए हैं। होली पे जो कलर्स पे बहुत बड़ा शो हो रहा है, जहाँ पे सारे जो कलाकार हैं आपके सारे फिक्शन शोज के, वो एक साथ सेलिब्रेट करेंगे होली, तो हम भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और सौभाग्य की बात है कि इतने सक्सेसफुल शो पे हमको भी आने का मौका मिला। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड वी एंजॉयड अवरसेल्व्स, और थपकी से मिलने का मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थपकी में भी की है तो एक काफी अच्छा कनेक्शन है। एक्चुअली तो आजकल सब चीज में की है, कोशिश की जाती है। एग्जैक्टली, वाह अर्जुन, यू बिकम अ प्रो यार आंसरिंग ऑल दिस एवरीथिंग। तो ही इज आंसरिंग क्योंकि मैं प्रमोशन पे ज्यादा आता हूं। अच्छा, बबलू भाई एग्जैक्ट। अरे नहीं, वो खतरों के खिलाड़ी है, वो न्यूट्रल से थोड़ा सा खतरों की खिलाड़ी और का खिलाड़ी थी, पर हां थपकी में भी की है, हर चीज में की होता है। और काफी जमाना है, लड़की का जमाना है यार, दैट यू कैन नॉट डिसएग्री विद दैट। आई थिंक डेफिनेटली सारी लड़कियां, सारी औरतें, दे आर लीडिंग द पैक नाउ, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो, मार्केटिंग में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आई थिंक एवरीवेयर देयर जस्ट वुमेन। अच्छा, ये तो ऑलरेडी टेलीविजन पे आ चुके हैं खतरों के खिलाड़ी, करीना आपका बहुत इंतजार। अभी तो अभी थपकी के साथ आई हूं मैं ना प्रमोशन करने। प्रॉपर शो करीना का, यार रियलिटी हो या फिक्शन हो, ओह गॉड, लाइक कीपिंग अप विद द कार्डशियन। कीपिंग अप विद द कार्डशियन, दैट वुड बी रियलिटी, दैट वुड बी अ रियलिटी शो। सो कोई प्लान है छोटे पर्दे पे आने का? अभी कोई प्लान नहीं। खतरों के खिलाड़ी पे आ रही है करीना कपूर, मेरा मेरी हौसला अफजाई करने। नहीं, मैं उन्हें ऑलरेडी बहुत पीड़ा दे चुका हूँ, इतना मजाक उड़ाता हूँ, इतना मजाक करता हूँ उनके साथ, इतनी उनकी टांग खींचता हूँ, बहुत सपोर्टिव है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे शो पे आए, हमारे शो पे आए, और शी गेट्स अ चांस टू सी हम कितनी मस्ती करते हैं। होली है, होली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आप लोग पर्सनल लाइफ में कितना होली सेलिब्रेट करते हैं? आर के स्टूडियो की होली तो हाँ डेफिनेटली फेमस है ही, बट आई थिंक जब से हमारे दादाजी की डेथ हुई, आई डोंट थिंक दैट हैज़ एवर बीन द सेम। होली जो है, हैज़ नेवर बीन द सेम आफ्टर दैट। एंड अभी पर्सनली इस साल तो आई डोंट थिंक हम लोग होली मनाएंगे, मे बी फैमिली डिनर और समथिंग, बट प्रमोशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पिक्चर की रिलीज एक हफ्ते में है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड बोथ अर्जुन एंड मी। एक्चुअली होली के दिन आप सब काम नहीं कर रहे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि होली के दिन सब छुट्टी मनाते हैं, वरना हम तो उस दिन भी काम कर रहे होते। आप काम करो होली पे? नहीं नहीं, आप होली मनाइए, मैं चाहता हूँ होली। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ यार, बहुत बहुत ही अतरंगी मेमोरी है जो मैं अभी हाल ही में किसी को बता रहा था। अमित जी की होली, जो अमित जी के घर पे होती है, बहुत ही फेमस मशहूर होली थी, मुझे पहली बार इनवाइट किया गया था, तो सिकंदर जो मेरे दोस्त है, मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा यार अमिताभ बच्चन क्या बोलिए, तो एक्चुअली रंग वंग फेंकेंगे कि बहुत वेल बियर्ड वाली होली, तो ये सर नहीं नहीं तुम साफ सुथरे कपड़े पहनो, तो मैंने नई शर्ट खरीदी, नए जीन्स खरीदे, नए जूते खरीदे, सॉक्स भी नहीं खरीदे, और बाकायदा होली खेलने पहुँचा, और उन्होंने इतना मजाक उड़ाया मेरा, बिकॉज सिकंदर वॉन्टेड टू एक्चुअली कॉन मी एंड विच ही अचीव, तो मैं फ्रेश नए नए कपड़े पहन के जाके अमित जी के यहाँ होली खेल गया, तो मैं आई वाज द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन ऑन होली, एंड लेफ्ट एज द लेफ्ट एज द फर्स्ट, मैं लास्ट निकला था उसके बाद। वेल आई थिंक फॉर मी होली वाज ऑलवेज विद माय ग्रैंडफादर, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैड अबाउट 7 इयर्स ऑफ ग्रेट टाइम्स होली के दिन, व्हेन द होल फैमिली वुड मीट एंड प्ले टुगेदर, एंड आई थिंक एवर सिंस दैट टाइम आई डोंट थिंक द फैमिलीज एवर एवर प्लेड होली। लास्ट क्वेश्चन, काफी और कोई होली की विश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं गाऊंगा तो लोग डेफिनेटली चैनल बदल। एक होली की विश दीजिए सभी भूमि पर। विशिंग ऑल द कीज एंड द कार्स, हैप्पी होली, प्ले सेफ, थैंक यू।